मॉर्निंग फ्रॉम पचमढ़ी। हम लोग रास्ता करके अपन निकल रहे हैं म्यूजियम की ओर, जहाँ जिप्सी बुक होती है। पचमढ़ी का तालाब है, डबरा बोल सकते कुछ भी। आर्मी वाला एरिया लग रहा है थोड़ा सा देखने से। आर्मी वाला सीन है। हमारा जो प्लान है वो पिक कर चुके हैं। मतलब ऐसा रहता है कि आपको जिप बुक करना है तो उसमें एक प्लान है कि मतलब उसमें सिलेक्शन है, एन नंबर ऑफ सिलेक्शन में से आपको एक पिक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो जगह घुमाएंगे। तो थर्ड नंबर यहाँ पे मोस्ट प्रिफर्ड होता है, तो अपन थर्ड नंबर पे ही जा रहे हैं। और ये अभी म्यूजियम आए हैं, म्यूजियम आए हैं, और ये म्यूजियम के आप नज़ारे देखिए। और ये यहाँ पे चिड़ियाघर है। मानसी कौन सा तेरा वाला है, कौन सा तेरा है? ये मानसी कंडा ऐसा ये बोल रहे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा बात है, ये म्यूजियम भी है, तो यहीं पे आपको जो बुकिंग करनी होगी जिप्सी की वो यहीं बुक होगी, और यहाँ से आपको गाइड और जिप्सी वगैरह मिल जाएगी। जिप्सी के आपको पीक टाइम पे आ रहे हैं तो 3000 लगेगा, और आपको 1200 अलग से लगेंगे, जिसमें 600 गाइड के हैं, 600 और कुछ चार्जेस हैं, तो 4200 आपको पड़ेगा टोटल। तो ये हमारी जीप चलो अपन निकल चुके हैं। ये फेक वाली हंसी जिनमें तू लोगों को मजा नहीं आया। और अभी हम जो विश कर रहे थे, जैसी अपने को जिप्सी चाहिए थी, ऐसी मिल गई है। रो वाली चाहिए थी तो अपने को मिल गई है। अपने को जैसे जिप्सी नहीं चाहिए थी वो दिख नहीं रही, नहीं तो आपको बताता जरूर कौन सी जिप्सी नहीं चाहिए थी। तो अभी निकल रहे अपन, अपन पहले जा रहे हैं पांडव के। आप कैमरे में आ पाएंगे? अभी हम लोग जा रहे हैं पांडव के, हमारी गाइड है मैम। आपका नाम? मेरा नाम है पिंकी। ठीक है, और हमारे भैया गाड़ी चला रहे हैं, और अपन अभी निकल रहे हैं पांडव के। ये पांडव केस पहुंच गए अपन। यस, बहुत जल्दी आ गए। यहाँ पे भाई पूरा वाइब ले रहे हैं। पचमढ़ी की सारी सबसे ऊंची चोटियां दिखती है, पूरा ऊपर पहुंच गया पांडव के उस पे। टूरिस्ट गाइड ने हमको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप आगे खुद एक्सप्लोर करें, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से। जहाँ से पचमढ़ी का नाम पचमढ़ी पड़ा, यहाँ 5 केव्स है। तो इन 5 केव्स के कारण ही पहले मढ़ या मठ बोला जाता था। ये बुद्ध गुफाएं हैं और इनका पांडवों से भी मतलब जोड़ा जाता है, बट वो स्टोरी कितनी ऑथेंटिक है वो तो आइडिया नहीं है। पर ये 5 गुफाओं के कारण यहाँ से पंच निकला है, और गुफाओं को पहले मढ़ बोलते थे, मढ़ी, उसके कारण इसका नाम पड़ा था पचमढ़ी। यहाँ पे कलेक्टर का हाउस है, और ये जो राजस्थान में ग्रीन फॉर्म भी है ये राज्यपाल का। और अपन अब ये जंगल एंटर कर चुके हैं। बिफोर वाले लोकेशन पे जहाँ पे अपनी जिप्सी खड़ी, उसके बाद लगभग ये 500 मीटर का ट्रैक है, मतलब सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, सीढ़ी से ऊपर है अपन। और आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की इस डायरेक्शन से कहीं पे, और लोगों की भी आवाज़ है, तो ज़्यादा दूर बचा नहीं है लग रहा है। वहाँ के पहले एक मिनी फॉल आता है, ये वो है जगह, और बी फॉल अभी और आगे, काफ़ी आगे जाना है अपने को। अभी यहाँ तो वो थेरेपी फ्री में हो जाएगा। फीस वाले तो बोलती कौन है ये लोग, अच्छे जा रहे हैं काफ़ी। तो ऊपर चढ़ते वाले लोगों को हालत थोड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को।
सस्ते नशे वाले गाने का नाम नहीं याद है मेरे को, बट काफी गहरा है ये और सीढ़ियां भी काफी ज्यादा स्टीप है। उतरने में तो तकलीफ नहीं होगा, चढ़ने में हालत खराब हो सकती है थोड़ी सी। और 400 मीटर लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर आपको बढ़िया दिख रहे हैं नज़ारों के लिए, तो अपन कर सकते हैं कुछ भी। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। चढ़ाई की हम लोग, ईजी था बहुत ज़्यादा। आप लोग आएंगे तो थकान तो लग रही है मान सिंह, नहीं लग रही नीचे जाऊंगा। नहीं ये बोलते थे क्या बोल रहे थोड़ा सा, नहीं नहीं वो दिख रहा है तो थकान लगेगी थोड़ा ऊपर आते रहे। वापस एनर्जी ड्रिंक रख लेना, खासकर अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि सीढ़ी थोड़ी बड़ी बड़ी है तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है थोड़ी सी रिटर्न आते टाइम। रेस्टोरेंट है नंदन वन करके, अगर आप जिप्सी बुक करेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे रोका जाएगा, और आपको रुकना नहीं है यहाँ पे, आपको आगे चले जाना है सीधा यहाँ पे सिटी में जाके खाना खाइए। टेस्ट सही तो था नहीं कुछ, और थोड़े कॉस्टलियर साइड में भी है, सिर्फ अचार अच्छा था और चम्मच भी नहीं है, और चम्मच भी नहीं लेते खाने के लिए यहाँ पे, तो बेटर होगा कि आप बाहर चले जाइए कुछ खाना होता। यहाँ एनिमल केव्स हैं, यहाँ ये सारी पानी से बनी है, मतलब बरसात के पानी से जो भी बहता है पानी। अपने सिस्टर्स देखे थे भालू के झुंड को निकलते यार रस्ते से, और यहाँ पे चार मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि अशोका और धाकड़। अशोका में जो तलवारबाजी की ट्रेनिंग होती है वो यहीं पे का सीन था, और बाकी धाकड़ वगैरह तो मैंने देखी नहीं तो पता नहीं है, और तीन चार फिल्म और हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पे। सारी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, इसमें आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स, यहाँ पे वाटर लेवल्स की मार्किंग भी है आपको देख सकते हैं। अभी तो इसमें वाटर नहीं रुकता है क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे है अभी, तो पहले भी था लेकिन पहले मतलब रॉक्स में पहले वाटर होते थे एब्जॉर्ब, अभी नहीं है उसके। अरे कहना क्या चाहते हो, पता नहीं इसके पीछे लॉजिक क्या है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, बस समझ आइए कि अभी नहीं होता पानी। हमारा एग्जिट पॉइंट है ये पूरा केव, बताओ आसन दृश्य पॉइंट मस्त दिख रहा है भाई, वाह क्या सीन है। सनराइज पॉइंट यहाँ से कुछ दिखता है, ये कहीं से होता है हमारा सनराइज काफी ज्यादा है, और ये वो रास्ता है जिसे हम आए हैं, ये वो रास्ता है जिसे हम आए हैं, उधर जो दूर में बीच में दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे बंदर। वहाँ पे बंदर की ट्रैकिंग हो रही है, आप लोग को दिख रहेगी लेकिन वो वहाँ पर है, येलो कलर के बुशेस जो दिख रहे हैं वहाँ पे। ये है पचमढ़ी का सनसेट पॉइंट, सॉरी अब आपको अच्छा दिख रहा होगा सूरज ऊपर ही है तो शायद थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ का व्यू। ये है सनसेट पॉइंट, हम लोग थोड़ा बहुत आपको क्लिप्स मिल जाएगा, और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अपन आज का दिन हो गया है, आज का दिन मतलब अभी तो शाम के 6:15-6:20 हो रहे हैं, अभी तो नया साल का आज इस साल का आखिरी दिन है, तो इस साल के आखिरी दिन को अपन थोड़ा जल्दी खत्म कर ले रहे हैं, मतलब एक अगला व्लॉग आएगा जिसमें अपन न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अब वो क्या करेंगे कैसे करेंगे अभी तो कुछ नहीं है, आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, तो बस इस व्लॉग में ब्लॉग दे रखते हैं।